हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज की इस लेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज, जो कि हम चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की आज इसमें बात करने जा रहे हैं। इसके हमने क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज भी देख ली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, एक घंटे में पूरे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का रिवीजन भी हो जाएगा और जितने भी पार्ट पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने वहां पे डील भी किया है एक घंटे के लेशन में ही। तो आज ये एनसीईआरटी टीम हम जानेंगे कौन से लाइन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में और कौन से एनसीईआरटी की लाइन इम्पोर्टेंट है जिससे चांसेस आने के हैं, और हम समझते भी चलेंगे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक पूछे जाते हैं, थोड़ा ये फास्ट होगा रिविजन सीरीज। तो एनसीईआरटी को साथ लेकर चलते रहेंगे हम। तो ये आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये पार्ट। तो ये आप पार्ट देख रहे हैं, सबसे पहला ये जो पैराग्राफ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो कुछ है नहीं, इसमें नीचे में ये बता रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्ट जनरली क्या चीजें होती हैं? वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जितने भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिल्कुल दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले तो हम ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वैस्कुलर सिस्टम में, चाहे वो जाइलम हो चाहे वो फ्लोएम हो, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। मेनली वो ट्रांसलोकेशन होता है जिसमें हम ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस और ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम की बात करेंगे हम लास्ट में। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जिससे कि स्मॉल डिस्टेंस वाले जो भी पार्ट होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। ये स्लो मेथड होता है शॉर्ट डिस्टेंस का, तो इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसा कि वाटर और मिनरल्स, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और मल्टी डायरेक्शनल ये होता है फ्लोएम के केस में, जो कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है, तो ऊपर में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, नीचे में इंपॉर्टेंट दे रखा है। और इसके आगे हम बात करें, ये जैसे ये स्टोरेज ऑर्गन्स है, कहीं भी ये ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बातें दे रखी हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह को इसमें ट्रांसपोर्ट होना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। आगे ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम डिफ्यूजन भी देखेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी देखेंगे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं डिफ्यूजन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, जनरली जो आयंस के मूवमेंट होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, जनरली हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन का ये पार्ट होता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी लगती नहीं है। डिफ्यूजन जनरली गैसेस और लिक्विड्स में ही ऑब्वियस होती है, लेकिन अगर डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज रादर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। तो डिफ्यूजन सॉलिड में अगर रेट इसका हम देखें तो गैसियस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, यही बात यहाँ पे समझा रखा है। तो डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है गैसियस मूवमेंट के लिए प्लांट बॉडी में। डिफ्यूजन के रेट हैं, कैसे डिफ्यूजन अफेक्ट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। डिफ्यूजन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से, कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, उस पर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैसी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके। नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है प्रेशर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो यह बात आप समझ चुके हैं, ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आगे बात करें, ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये लॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ही चलता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ये पार्ट होता है, सैचुरेशन इफेक्ट को फॉलो करता है ये, कोई भी एनर्जी इसमें लगती नहीं है, कुछ फिक्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर्स रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की, कुछ सिलेक्टिव या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है ये। तो ये कुछ बातें हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, जैसा कि आप जानते हैं जो मेम्ब्रेन का जो कंपाउंड होता है लिपिड, वहां पर भी हमने बात किया था क्वासी फ्लूइड मूवमेंट चैप्टर 8। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, यहाँ पे भी मैंने बात किया था कि हाइड्रोफिलिक मॉइटी जिसका होता है, तो जनरली वहां पे ये चीजें डिफिकल्ट होती हैं पास होने में, तो वहां पे ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था, हेड टेल देखा था हमने, वहां हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो प्रोटीन्स का यहाँ जरूरत पड़ेगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है, तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, जैसा कि हुआ था डिफ्यूजन में कोई एनर्जी लगी नहीं थी।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही जनरली मेनली लगती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम। जितने भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर थे, जितने भी करियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन सारे यूज हो चुके हैं, तो उस समय ट्रांसपोर्ट रेट जो होता है वो सैचुरेशन के कगार पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। हमने बात की क्या स्पेसिफिक या कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही पास हो पाते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पास हो पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन करियर है जो कि इसको ट्रांसपोर्ट होने में मदद कर रहा है। तो ये सिंपल सी डायग्राम है। इसके आगे हम बात करें, जैसे कुछ पोरिन्स होते हैं, जैसे कि पोरिन्स प्रोटीन होते हैं, जैसे कुछ के आउटर मेम्ब्रेन में जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बैक्टीरिया में ये होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को पास कराने में मदद करते हैं। जनरली ये 8 तरह के होते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं। एक होता है पार्ट यूनिपॉट, हमारा यूनिपॉट सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये हमारा पार्ट यूनिपॉट होता है। यूनिपॉट में मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहा है, ये किसी अदर मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है, ये आराम से मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मॉलिक्यूल पास कर रहा है, बीच में कैरियर प्रोटीन है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ये एंटी प्रोटीन, आप देख रहे हैं एंटी प्रोटीन एंटीपॉट में अपोजिट डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एच प्लस आयंस वगैरह जनरली होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपॉट एंटीपॉट और या देख चुके हैं यूनिपॉट। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, ये स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, पंप्स जो प्रोटीन्स हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो अप हिल ट्रांसपोर्ट है, तो मैं वो दोनों को बोल सकता हूँ कि वो दोनों पहले के जो थे डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट थे, तो बिल्कुल हाँ। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट ये है, सैचुरेशन इसमें हो चुका है, तो सैचुरेशन जो होते हैं जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं सारे यूज हो चुके हैं, इम्प्लॉय एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। दिस प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ये हमें याद रखना है कि इनहिबिटर्स के सेंसिटिव होते हैं, ऐसे सेंसिटिव तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन का चार्ट दे रखा है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था अभी क्रैश कोर्स सीरीज में। तो ये हमारा पार्ट आपको किसमें देखना है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होती हैं तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती हैं। हाईली सिलेक्टिव कौन है, तो जी हाँ ये दोनों हाईली सिलेक्टिव हैं। देखिए सिंपल डिफ्यूजन जो है ना बिल्कुल सिंपल है, इसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ये मॉलिक्यूल को पास कर देगा। हाँ कुछ हैं कमियां कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्लो है थोड़ा, ये तो कुछ कमियां हैं, फैसिव ट्रांसपोर्ट है, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट चलता है, बिल्कुल सीधा साधा है, ये डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे, ये सब कुछ कुछ बातें हैं। तो सारी बातें अच्छी हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में दो चीजें कि अप हिल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, शायद मैंने कुछ मिस्टेक हो गई पहले, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही सिर्फ होता है ये अपहिल ट्रांसपोर्ट, और फैसिलिटेटेड और जो सिंपल डिफ्यूजन होती है वो दोनों डाउनहिल ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। ठीक है, एनर्जी क्योंकि लगी नहीं, कहीं एक्सपेंडिचर हुई नहीं एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट वाटर रिलेशंस, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशंस। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्लांट वाटर रिलेशंस की। जैसे एक वाटरमेलन होता है जिसमें 92% वाटर होता है, और हर्बेसियस जो प्लांट्स होते हैं उनमें 10-15% ही फ्रेश वाटर फ्रेश वेट होता है। तो ये कुछ बातें हैं, जीके टाइप की बातें हैं सब। ट्रांसपायरेशन जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद वाटर पोटेंशियल के बाद, तो ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर मूव करते हैं एवोपोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो 5 घंटे में मस्टर्ड प्लांट अपने वेट का जितना है तो वो लॉस कर देता है। ठीक है, तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है प्लांट ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, चाहे एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरमेंट। ये हमारा पार्ट है वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम वाटर के मूवमेंट को समझते हैं। तो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि हम वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यही जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी में कोई प्योर वाटर के बीच और कोई जो इम्प्योर वाटर है, तो जनरली वही वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग वो बातें की जाती हैं। तो देखिए अगर आपने किसी वाटर में सॉल्यूट मिला दिया है तो उसका वाटर पोटेंशियल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, वाटर पोटेंशियल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि इफ सम सॉलिड इज डिसॉल्वड इन वाटर, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ रिड्यूस हो जाता है। डिफ्यूजन के बारे में हमने कई सारी बातें कर ली हैं, तो अब डिफ्यूजन की बात यहाँ पे कुछ करेंगे हल्का फुल्का। नेक्स्ट हम पहले तो कुछ टर्म को डिस्कस करें क्या होता है वाटर पोटेंशियल में। जनरली वाटर पोटेंशियल है तो वाटर पोटेंशियल को निगेटिव से हम डिनोट करते हैं, हमेशा ये निगेटिव में पार्ट होता है,
ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल जिसे बोल रहे हैं वो भी हमारा निगेटिव में पार्ट होता है, सिर्फ प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव में यहाँ पे पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जितनी भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और आगे हम देखें कुछ पार्ट, ये जनरली एक टर्जिट क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है टर्जिट में। जैसे कि एक सेल है, सेल अंदर से स्वेल कर चुका है, यही अपने आउटर वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, इसको ही बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है, जिसको बोलते हैं टर्जिट या वॉल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह बोलते हैं। सिंपल से जो भी फोर्स एग्जर्ट किया गया है सेल वॉल के द्वारा ओवर प्रोटोप्लास्ट पे, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर। जनरली फ्लैसिड सेल है जिसमें पानी ही नहीं है, उसका वो जीरो होता है, प्लाज्मोलाइज सेल है तो निगेटिव में चला जाता है, फुल्ली टर्जिड है तो इसमें टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर सब कुछ बराबर होती है, ठीक है। इसका काम भी होता है ना कि अपना मेंटेन कर पाता है, जो नॉर्मल शेप है सेल का उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल, तो प्रेशर पोटेंशियल जनरली क्या होता है, तो प्रेशर पोटेंशियल जो भी फ्री एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, तो उसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जनरली जो प्रेशर पोटेंशियल है पॉजिटिव ही होता है। वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बोथ बाय सॉलिड के द्वारा भी प्रेशर पोटेंशियल के, तो ये आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑस्मोसिस के बारे में, तो ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, वाटर का डिफ्यूजन इसमें होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो इसमें मैं आपको कुछ खास चीजें बता दूं, यहाँ पे तो आप टोनोप्लास्ट वाला ये पॉइंट याद रखना कि टोनोप्लास्ट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्या क्या फैक्टर जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन और एक वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो कि टोनोप्लास्ट होता है, तो ये दोनों अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ऑस्मोसिस का हमने ये देख लिया है, तो प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब रेट और नेट जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस का डिपेंड करता है ये दोनों चीजें पे। नेक्स्ट हम बात करें आगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा बनती है, तो ये आप क्वेश्चंस को देखें एक एक कर। पहला ये क्वेश्चन है, पहले तो ये पार्ट दे रखा है, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में और यहाँ से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आप ये जो देख रहे हैं, ये वाटर हमारा इसके बीच रहा। ये क्वेश्चन एक नई ऐड हुई है, जो जी नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में नई ऐड है, तो आप देखें ये पार्ट। पहला है क्वेश्चन, सॉल्यूट ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये जो चैम्बर वी है इसमें वाटर पोटेंशियल कम होता है क्योंकि इसमें सॉल्यूट इंक्लूडेड है। इनमें पूछा है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है, तो चैम्बर बी का ही होगा। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, तो ऑस्मोसिस कहां से कहां जाएगा, तो चैम्बर ए से चैम्बर बी, आपको पता होगा सॉल्यूट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, तो चैम्बर ए के पास सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, तो दोनों लगभग इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे सेम वाटर पोटेंशियल में। नेक्स्ट, इफ वन चैम्बर पोटेंशियल दे रखा है -2000, एक का -1000 किलो पास्कल, तो किसका ज्यादा होगा हायर, तो जनरली जो -1000 होगा उसका हायर वाटर पोटेंशियल होगा, तो सेम कंडीशन इसमें भी 0.01 का होगा। तो ये चीजें थी दे रखी। आगे हम इसमें बात करेंगे, ये कुछ नहीं है, सुक्रोज का डिफ्यूजन यहाँ पे मिलने दिखा रखा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट होता है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस की हम बात करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस हमारा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोलाइसिस जनरली होता क्या है पहले तो ये समझे, प्लाज्मोलाइसिस जनरली ये श्रिंकेज या डिटैचमेंट जो भी प्रोटोप्लास्ट से होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे एक कंडीशन ने लिया आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के काम आता है, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक क्या होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होता है साइटोप्लाज्म से, तो ये पार्ट होता है हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक, मीन्स जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, कंसेंट्रेटेड का कहने का मतलब इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा है, तो ये कंडीशन है हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करेगा, हाइपरटोनिक में क्या, तो सेल श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा। आप किस में इसका एग्जांपल देख सकते हो, उसमें प्लाज्मोलाइसिस हमने देख लिया है। आगे हम बात करें, हाँ ये एनसीईआरटी में इस बार नई थोड़ी ऐड है, बीच में फ्लैसिड को हटा रखा था, तो यहाँ पर ये सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। टर्जिड देख रहे हैं आप, सेल पूरा का पूरा फुल चुका है, पूरा का इसमें आ चुका है, टर्जिड है। नेक्स्ट, आगे हम बात करें, तो आइसोटोनिक हम लोग देख चुके हैं, फ्लैसिड हाइपोटोनिक वगैरह। तो आप कुछ कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे एक जगह ऑस्मोसिस है और ऑस्मोसिस में हो रहा है जैसे एग्जोस्मोसिस, तो हाइपरटोनिक में होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, तो इंडोस्मोसिस होगा, आइसोटोनिक में, तो दोनों सेम कंसेंट्रेशन के होंगे। तो रेजिन्स को आपने प्लेस किया, वाटर में प्लेस किया आपने, तो ये कैसा है, तो आइसोटोनिक जनरली ये इंडोस्मोसिस का ही काम होता है।
नेक्स्ट अगर ग्रेप्स को आपने प्लेस किया सॉल्ट के सॉल्यूशन में तो एक जो ऑस्मोसिस में ये आता है। प्रेशर पोटेंशियल कुछ फैक्टर अफेक्ट करने वाले, जैसे कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल्स इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। पहले हमने देख लिया प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। अब हमारा ये खास है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, एक स्पेशल डिफ्यूजन का ही टाइप होता है। जनरली ये सॉलिड कोलाइड्स में होता है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। जनरली इम्बाइबिशन आर द एब्जॉर्प्शन सीड्स और ड्राईवुड में ये देखा जाता है। इम्बाइबिशन एक डिफ्यूजन का ही टाइप है जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। जनरली मैं आपको अगर डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये पार्ट इम्बाइबेंट हो गया है और नेक्स्ट जो ऊपर वाला ये पार्ट है, ये जो पार्ट ऊपर से आया है ये इम्बाइबेट पार्ट है। तो जो अंदर का ये पार्ट है ये सॉलिड वाला पार्ट होता है, जो बाहर से आया है लिक्विड वाला पार्ट है। जो लिक्विड पार्ट है उसको इम्बाइबेट बोल रहे हैं, जो बाहर से अंदर से सॉलिड पार्ट था वो एडजॉर्बेंट है या इम्बाइबेंट है या हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है। ठीक, तो यही वो लाइनें दे रखी हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें, ये हमारा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का जो डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जनरली आप जानते हैं कि जाइलम के थ्रू होता है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है तो उसमें ये काम नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए मास में फ्लो होता है, जैसा कि एक रिवर फ्लो कर रहा होता है तो बिल्कुल उस तरह ही इसमें काम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है। जैसा कि ट्रांसलोकेशन हम देख चुके हैं, जो भी बल्क मूवमेंट होता है सबस्टांस का कंडक्टिंग टिश्यूज से जैसे जाइलम फ्लोएम, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोल रहे होते हैं। तो जनरली जो जाइलम होता है मेनली वाटर मिनरल्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हॉर्मोन्स वगैरह जो हैं वो ट्रांसपोर्ट यहाँ से होते हैं। और फ्लेम जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उसको मेनली लीव्स से लेकर अदर प्लांट पार्ट्स को भी पहुंचाने का वो काम करता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं रूट हेयर्स जो होते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के काम आते हैं एब्जॉर्प्शन के वक्त। जनरली ये पैसिव प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट जो है वो पैसिव प्रोसेस है, सिम्प्लास्ट एक्टिव प्रोसेस है। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग में चलेगा, सिम्प्लास्ट लिविंग में चलेगा। एपोप्लास्ट जो होता है ये सेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच जनरली ये होता है। सिर्फ अगर कैस्प्रियन स्ट्रिप्स को छोड़ दें तो हर जगह ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि कैस्प्रियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो सुबराइज मैट्रिक्स के बने होते हैं। ठीक है, जो मास फ्लो है वाटर का वो कंटिन्यू क्यों है, क्योंकि एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी है वाटर में। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं बहुत लूजली पैक होते हैं। ये बातें थी एपोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट है सिम्प्लास्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैंने बता दिया सेल वॉल के बारे में और इंटरसेलुलर स्पेसेस के बारे में। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है जो कि आप ये मेम्ब्रेन में देख रहे हैं, सेल वॉल वाला जो पार्ट देख रहे हैं, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये एपोप्लास्ट मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कैस्प्रियन स्ट्रिप्स जो लगे हैं यहाँ पे ये नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कैस्प्रियन स्ट्रिप्स हैं, सुबराइज मैट्रिक्स यहाँ से पार्ट नहीं हो पाता है। और नीचे ये आप देख रहे हैं यहाँ से सिम्प्लास्ट ये मूवमेंट चलता रहेगा बिल्कुल। तो ये जाइलम में आगे जाकर ट्रांसपोर्ट ये पानी को करने के काम आता है, जैसे कि आप रूट में ये देख रहे थे। जनरली मैं बताऊं तो सॉइल सॉल्यूशन से बिल्कुल स्टार्ट होता है, फिर रूट हेयर्स में जाता है, देन इसके बाद एपिडर्मिस में जाता है, देन इसके बाद कॉर्टेक्स में, देन इसके बाद इंडोडर्मिस में जो कि पैसे सेल्स वहां पे होते हैं, फिर यहाँ पे पेरिसाइकिल, फिर प्रोटोजाइलम, फिर देन मेटाजाइलम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल कुछ चीजें इस तरह थी, ये मैंने बता दिया एडहेसिव सिम्प्लास्टिक वगैरह बता दिया। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो जाएगा, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं जहां साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जैसे कि हाइड्रिला में आप देख सकते हैं। तो ये सब बातें थी, इंडोडर्मिस मैंने आपको बता दिया है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द इंडोडर्मिस, आप याद रखेंगे। और एक और चीज, जो यंग रूट्स होते हैं जनरली वाटर उनमें इंटरडायरेक्ट कर जाता है जाइलम वेसल्स ट्राइकाइट्स वगैरह में, क्योंकि नॉन लिविंग कंड्यूट्स होते हैं वो एपोप्लास्ट के। माइकोराइजा हमने पहले भी देखा है, फंगस और रूट के बीच जो सिस्टम में होता है ट्रांसपोर्ट, तो वो माइकोराइजा कहलाता है। ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सिम्प्लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिम्प्लास्ट एक लिविंग पैसेज है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है, जो कि देख रहे हैं आप कैस्प्रियन स्ट्रिप्स को भी पास करता हुआ यहाँ निकल चुका है। आगे हम यहाँ पे कुछ पार्ट देखेंगे, जैसा कि ये हमारा फंगस पार्ट है। फंगस जो कि मिनरल प्रोवाइड करने के काम आ रहा है रूट्स में, और रूट्स उसको सुगर प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि हमने रिलेशन देखा था फंगस का रूट्स के बीच। तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, तो 100% ये होना है, तय है। नेक्स्ट, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइज, जैसा कि हमने बात किया था ये जिम्नोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट हम वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट देखेंगे। सबसे खास ये हमारा पार्ट होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है ना, एक पुशिंग, रूट प्रेशर के लिए टर्म आता है पुशिंग, तो उसके लिए टर्म पुशिंग आप याद रखेंगे। एक बिल्कुल असिस्टिंग प्रेशर है, मींस मदद कर रहा है ये और कुछ नहीं, बिल्कुल ये मदद करेगा। ये हेल्प करता है क्या कि वाटर कॉलम है मानो, उसके कंटिन्यूटी को तोड़ने नहीं देता है, अगर ब्रेक हो भी गया तो मैं मदद करूंगा, ऐसा कहता है रूट प्रेशर, ऐसा काम करता है रूट प्रेशर।
तो इसमें अगर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है तो इसके चलते गटेशन होता है। गटेशन जनरली क्या होता है, जो वाटर का ऊजिंग आउट होता है, जब वाटर बाहर आते हैं तो जनरली उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। गटेशन के ही रिगार्डिंग एक और प्रोसेस होती है एक्जुडेशन। एक्जुडेशन को हम ब्लीडिंग बोलते हैं, इसका ही पार्ट है। जनरली जो भी प्लांट से कट लग गई तो उसके चल रूट प्रेशर के चलते, जैसे आप ताड़ी वगैरह में देख सकते हो टॉडी पाम में, तो वहाँ एक्जुडेशन ही चलता है। जनरली गटेशन क्या होता है कि लीफ के मार्जिन से कहीं भी कटिंग लग गई है या कहीं भी इंजर्ड पार्ट है प्लांट का, तो वहां से ये वाटर के फॉर्म में आने लगते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जनरली ये कब तब होता है जब ट्रांसपायरेशन बहुत ही लो होता है और एब्जॉर्प्शन बहुत ही हाई होती है। तो जनरली ये होता है रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग में होता है एवपोरेशन जब लो होता है। आपने देखा होगा ग्रासेस वगैरह में वहां से लिक्विड्स निकले होते हैं, तो ये पार्ट हमारा होता है इंपॉर्टेंट। तो आप समझ चुके होंगे कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ये रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के बारे में और कुछ अगर मैं बातें बताऊं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रूट प्रेशर होता है ना, तो रूट प्रेशर जनरली गजब का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के जाइलम के अंदर जो भी चेन थे उनको रीएस्टेब्लिशमेंट करने का काम आता है। अगर वो मॉलिक्यूल टूट गया है, हमेशा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के बाद इतनी इनॉर्मस टेंशन लगती है वहां पे कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो चेन होते हैं ना वो बिल्कुल टूट जाते हैं, तो उनको रीएस्टेब्लिशमेंट करने का ये काम करता है। तो ये बातें थी ट्रांसपायरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रूट प्रेशर में। नेक्स्ट हम ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में देखेंगे। तो ट्रांसपायरेशन पुल या कहें तो कोहेसन टेंशन फोर्स थ्योरी डिक्सन और जॉली ने दी थी, इसमें बताया जाता है कि 130 मीटर ऊंचाई तक ये ट्रांसपायरेशन का पुल काम कर सकता है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी यही है ये मैकेनिज्म को समझाने के लिए, जिसमें हम एसेंट ऑफ सैप की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो जानते हैं हम, क्योंकि प्लांट में बिल्कुल हार्ट नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तब पर भी प्लांट इतना अच्छा फेयरली इसका सिस्टम है ट्रांसपायरेशन का, तो ये बात हम इसमें देखेंगे। ये हम लोग देख चुके कोहेशन। जनरली आप जानते हैं अगर प्लांट 100% पानी ले रहा है, मैंने आपको एप्पल वगैरह का एग्जांपल बताया था उसमें क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में, आप वो जरूर देखें, मैं तो ये मस्ट कहूंगा, मैंने लिंक दे रखे हैं 6 पार्ट के, आप वो जरूर देखें, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है, विद इन 30 मिनट्स हमें कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी की कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, सिर्फ 100% में 1% भी से भी कम होता है यार। तो ये है, ज्यादातर स्टोमेटा से ये होते हैं ट्रांसपायरेशन, ये सब तो कॉमन सी बातें हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पे आप अगर टेस्ट कराते हो तो जनरली ये चीजें सामने आ जाती है। नेक्स्ट हम ट्रांसपायरेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जनरली जो वाटर का लॉस होता है वेपर के फॉर्म में प्लांट से स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो ये ट्रांसपायरेशन जनरली होता है। सिर्फ ये स्टोमेटा के थ्रू ही नहीं, ये क्यूटिकल के थ्रू, बार्क के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू भी ये होता है। जनरली स्टोमेटा जो है डे टाइम पे ओपन होते हैं, रात में वो क्लोज हो जाते हैं, बचपन वाली बातें हैं। ये इमीडिएट जो कॉज ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है क्योंकि गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी के कारण। ठीक है, तो गार्ड सेल्स ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है ये। तो जो इनर वॉल है गार्ड सेल के, तो इसमें स्टोमेटल अपर्चर होते हैं जो कि ठीक होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में ही, कि जो ओपनिंग है स्टोमेटा की वो किसके कारण जनरली होता है, कौन उसमें मदद करता है। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ना, जैसा कि आप ये माइक्रोफाइब्रिल्स देख रहे हैं, तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स ही हेल्प करते हैं। ओरिएंटेशन माइक्रोफाइब्रिल्स का गार्ड सेल्स के अंदर जो सेल वॉल में होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं जनरली। तो ये सब पॉइंट दे रखी हैं। जब गार्ड सेल्स जो होते हैं, जब टर्गर इनमें खो जाता है, मीन्स टर्गर कम है, मीन्स फ्लैसिड जनरली हो चुका है, मीन्स इस तरह हो चुका है, जनरली ये पचकने लगेगा, तो वाटर लॉस इसमें होने लगता है। तो ये सब बातें हैं, ये डायग्राम पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन में, तो डायग्राम पे आप गौर करेंगे तो आप सब कुछ सिंपल सा दे रखा है। स्टोमेटल अपर्चर आप देख ही रहे हैं, गार्ड सेल आप देख ही रहे हैं, फाइब्रिल्स यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। तो ट्रांसपायरेशन है, कुछ फैक्टर से अफेक्ट करता है। देखिए ट्रांसपायरेशन बहुत ही जरूरी है, ट्रांसपायरेशन जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कर्टिस ने कहा था ट्रांसपायरेशन इज एन अनअवॉइडेबल, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल लेवल। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन कुछ एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिससे वो डिपेंड करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ वो फैक्टर दे रखे हैं, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और कुछ ऐसे फैक्टर जो इंटरनल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टोमेटा का, ओपन स्टोमेटा का परसेंटेज क्या है, वाटर स्टेटस क्या है, कैनोपी का स्ट्रक्चर क्या है। इसके आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वाटर का जनरली जो जाइलम सैप, जनरली सैप में होता क्या है, H2O मिनरल्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं। जनरली वाटर के 3 प्रॉपर्टी बहुत ही खास, कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन। पहली चीज है कोहेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन लगता है उसको कोहेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट है एडहेशन। जनरली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सर्फेस की तरफ भागते हैं, ट्रकियरी एलिमेंट्स की तरफ भागते हैं। ट्रकियरी एलिमेंट्स कौन है? ट्रेकाइड और वेसल्स हैं, उधर जनरली जाते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड फेज की तरफ ज्यादा होते हैं अट्रैक्ट एज अकॉर्डिंग टू गैस फेज। नेक्स्ट, तो ये टेंसल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी ही होती है जो प्लांट को एक रेसिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है। और हाई कैपिलरिटी, क्योंकि पाइप अगर पतला है तो कैपिलरिटी बहुत ही ज्यादा होगा, पानी बहुत तेज से फ्लो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिंग की थ्योरी आती है 130 मीटर, मैंने बताया डायग्राम के थ्रू आपको दे रखा है। और ये हमारे ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच एक कॉम्प्रोमाइज चार्ट है कि ट्रांसपिरेशन का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता, एक से ज्यादा भी पर्पस है इसके। जैसे प्लांट में एब्जॉर्प्शन कराने के काम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर का सप्लाई में, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल से अदर पार्ट्स में भी, सरफेस को कूल करने के काम आ रहा है ये 10 से 15 डिग्री, शेप और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने का ये काम कर रहा है कि स्टर्जिड रह सके। एक होता है टर्म इनसेशिएबल, मींस प्लांट को चाहिए तो चाहिए, तो ये चीजें होती है इनसेशिएबल से रिगार्डिंग, मींस प्लांट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, प्लांट नेवर सेटिस्फाई। तो पानी चाहिए, भले ही वो उसका यूटिलाइजेशन ना कर पाए 100%, 99% वो भले ही एटमोस्फेयर में लौटा दे, लेकिन प्लांट को चाहिए तो चाहिए, मींस इनसेसिएबल है, नेवर सेटिस्फाइड। तो ये इवोल्यूशन जो C4, C2, C3 का देख रहे हैं आप, ये जनरली आपको समझ में आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में, इसके आगे जो आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर, उसमें आएगा ये आपको समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे से आप देख सकते हैं। देखिए आगे हम देख रहे हैं अपटेक और मिनरल्स का। तो ये जो मिनरल्स का देख रहे हैं आप, प्लांट्स जनरली जो मिनरल्स है किस फॉर्म में वो लेते हैं? CO2 में लेते हैं, तो सी और कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ जनरली इनको मिल जाता है। तो प्लांट्स जनरली मिनरल्स एक्टिव फॉर्म में ये यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी सॉइल में मिनरल कंसंट्रेशन होती है वो प्लांट सेल से बिल्कुल कम होती है। तो यही सब बातें यहाँ पर लिख रखी हैं, एक्टिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगा, और ATP तो लगेगा ही, वो आपको पता ही है। जो इंडोडर्मल सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जहां की कोई भी प्लांट है अपने क्वांटिटी को एडजस्ट करता है कि उसको कितना लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है और किस टाइप का सॉल्यूट लेना है जाइलम के अंदर। तो ये चीजें बताती हैं। नेक्स्ट हम आगे देखें, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स आयंस। इसमें कुछ आयंस हमारे इंपॉर्टेंट है, जनरली फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जनरली यही मोबिलाइज हो पाते हैं। कैसे? कोई डेड टी जो डेड होने वाला है उससे यंग लीफ में चले जाते हैं, इसको इमोबिलाइजेशन बोला जाता है। कैल्शियम जनरली मोबिलाइज नहीं होते, ठीक है। तो यहां से हम ये कैटेगराइज हम पता लगाएंगे, यहां से जो पुरानी बातें थी ना, जो ट्रेडिशनल बातें थी, हम उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं कि जाइलम सिर्फ जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा और फ्लेम सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, क्योंकि हमने देख लिया, बहुत सारे चीजें हमने ऐसी देख ली क्योंकि वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लेम ट्रांसपोर्ट, सोर्स से सिंक तक कैसी ये ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, हम इस पार्ट में इसका डिस्कशन करेंगे। कैसे लोडिंग अनलोडिंग कैसे हो रहा है, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो हम जाने कि जो वैस्कुलर टिश्यू, जैसा कि फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, फूड ट्रांसपोर्ट यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फूड ट्रांसलोकेशन। तो पहले तो सोर्स की बात करें, सोर्स और सिंक होते क्या है। तो जो भी सोर्स है वो जनरली फूड को प्रोड्यूस करने के काम करता है, जैसा कि लीफ। सिंक क्या है? सिंक में जहां फूड स्टोर होगा आकर, स्टोरेज ऑर्गन है सिंक। तो सोर्स और सिंक जनरली वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हमेशा एक कंडीशन तो होता नहीं, तो कंडीशन तो चेंज होते रहते हैं। जैसे अर्ली स्प्रिंग आ चुका है तो रूट जो है वो फूड का सोर्स बन जाता है, और जो बर्ड्स हैं वो सिंक बन जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स डेवलपिंग बर्ड्स है ना, तो उनको बन जाना होता है, वो सिंक बन जाते हैं, तो वहां जाकर फूड स्टोरेज होनी है। तो रिलेशनशिप बिल्कुल वेरिएबल है, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है हमें फ्लोएम में, मल्टी डायरेक्शनल भी आप बोल सकते हैं, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल बिल्कुल होता है। अब है फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप में आते क्या क्या चीज है? तो वाटर, सुक्रोज और भी कुछ सुगर्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं, जनरली अल्कलाइन नेचर के होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2016, ठीक। ट्रांसलोकेशन बिल्कुल यहाँ चल रहा है। अभी इसको समझाया किसने? तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस मंच ने दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेड ये मेथड होता है। कैसे सुगर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सिंक तक सोर्स से? तो पहले तो आप जानते हैं कि जो भी मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, देन वो कन्वर्ट होता है सुक्रोज में। सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर होता है, केमिकली नॉन एक्टिव होता है या इनर्ट होता है कहें तो, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। जनरली लिविंग फ्लोएम में ये इनको ट्रांसपोर्ट होना होता है कॉम्पेनियन सेल्स से, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियर दिखाया था उसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो देखो
ये आप डायग्राम में देख सकते हो। जैसा कि देखो कोई भी पार्ट यहाँ पे, जैसे ये सोर्स है ठीक, तो यहाँ पे बना क्या, तो यहाँ पे सुक्रोज बनेगा, तो सुक्रोज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है ग्लूकोज से ट्रांसपोर्ट। यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो टर्गर प्रेशर है वो बहुत ही हाई होता है, नीचे जब आएगा तो ये टर्गर प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है। तो जनरली ये आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एडजेसेंट जाइलम वाले होते हैं वो इनमें ट्रांसफर कर देते हैं फूड बिल्कुल, तो वैसे ही इनका टर्गर प्रेशर जो है नीचे आने के बाद कम हो जाता है। तो पहले तो यहाँ पे लोडिंग होती है, लोडिंग के बाद नीचे आएगा तो अनलोडिंग होगी, तो ऐसे ही फिर से वाटर जो है रूट जाइलम में मूव कर जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे दे रखी हैं। फिर इनका कन्वर्जन होता है, जो भी सिंक में फूड आया है तो इनका एनर्जी स्टार्च और सेलुलोज में इनका कन्वर्जन होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज आप इसका अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट ये जो प्रोसेस है गर्डलिंग, गर्डलिंग हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी हम बोलते हैं। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है नीट में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली एक्सपेरिमेंट है जिसमें बताया गया कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का कौन सा टिश्यू होता है जो कि फूड पहुंचाने के काम आता है। तो ये तो हम जानते हैं फ्लोएम। तो पहले इसमें किया क्या जाता है कि जो भी वैस्कुलर कैम्बियम का बाहर का जो साइड होता है ठीक, तो उसको इसमें हटा दिया जाता है रिंग के फॉर्म में। जनरली उसमें बचेगा क्या, तो इसमें जाइलम सिलेंडर और पिथ वगैरह बचते हैं इसमें। और जैसे कि ये यहाँ से पार्ट को हटाया गया तो इस पार्ट में फिर कुछ दिनों के बाद सूजन आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। तो ये बताता है कि यहाँ पे तो फ्लेम है नहीं, तो जो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन था फूड का ये तो स्टॉप हो चुका है बिल्कुल। तो पहले इसमें क्या रूट डाई होता है, देन इसमें सूट डाई होगा, पहले रूट इसमें मर जाएगा देन इसमें सूट। अच्छा रूट क्यों मरा, क्योंकि स्टार्वेशन के चलते रूट को फूड तो मिला नहीं, क्योंकि ये फूड कौन ले रहा था, फ्लेम ला रहा था, तो फ्लेम तो यहाँ हमने बंद कर दिया पात को। तो ये इससे बिल्कुल हमें पता चला गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से। तो ये हमारा पार्ट था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से रिलेटेड, जिसके हम सारे पार्ट देख चुके हैं। आप एक बार समरी इसका जरूर पढ़ लेना, समरी इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं समरी में भी, एक बार आपको ओवरव्यू तो मिल ही जाता है। और इसका क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देखें जरूर, और इसके आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वहां से भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो आप क्वेश्चंस लगाते रहें, देखिए आप ऐसे ही 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं 2 महीने के अंदर ही, और बहुत ही स्मूथली चल रहा है, आपने पिछले सारे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।